आज हम बनाएंगे चना दाल बड़ा। बनाने में बिल्कुल आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ऊपर से एक क्रिस्पी बनता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तोड़ने के बाद ये आसानी से टूट जाता है। आप इस बड़ा को तीखा मीठा चटनी के साथ खा सकते हैं या शाम के चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चना दाल का बड़ा बनाना शुरू करते हैं। चना दाल बड़ा बनाने के लिए 1 कप चना दाल लिए हैं। इसे हम 7 से 8 घंटा भिगो करके रख दिए थे। चना दाल अच्छे से फूल गया है। इसे तोड़ने के बाद ये आसानी से टूट जाता है, ये आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे रात भर पानी में भिगो कर भी रख सकते हैं। पानी को छान करके हमने ले लिए हैं। चना दाल अच्छे से फूल गया है तो इसे हमें ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसी में चना दाल को डालेंगे। चना दाल में हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। पानी से इसे अच्छे से छान करके तब डालना है। 2 बड़े चम्मच साबुत चना दाल को रख लेंगे और इसे बाद में यूज करना है। चना दाल को हमें पीसना है। इसी के साथ हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरा मिर्च, आप चाहे तो इसके साथ लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लहसुन नहीं डाला है। अब हम इसे बंद करके और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये आप देख सकते हैं, इसे हमें थोड़ा दरदरा पीसना है। अगर चना दाल पीस नहीं रहा हो तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। चना दाल अच्छे से पीस गया है, हमें बस इतना ही दरदरा पीसना है। अब हम चना दाल को साइड में रखेंगे और इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। एक पैन को गरम करेंगे और इसमें कुछ मसाले को हमें भूनना है। तो 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे और इन मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गया है और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इन मसालों को हमें दरदरा पीस लेना है। मसाले ठंडे हो गए हैं तो हम इसे दरदरा पीस लिए हैं। तो इसी तरह से हमें मसाले को पीस लेना है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसी में जो चना दाल पीसे थे उसे हम निकाल लेंगे। अब हम यहीं पर साबुत चना दाल डालेंगे। इस तरीके से डालने से बड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे के जगह पर आप सूजी या मैदा भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 2 चुटकी हींग डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, दरदरा पिसा हुआ मसाले डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम हाथ से मिलाएंगे, चम्मच से अच्छे से नहीं मिल पा रहा है तो इसे हम हाथ से मिला लेते हैं। हाथ से अच्छे से मिल जाएगा। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला करके ले लिए हैं। थोड़ा सा हाथ पर हम तेल लगाएंगे और अब इसे कटलेट का शेप देते हुए बना लेंगे। तो इस तरीके से पहले हम गोल बनाएंगे। बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इस तरीके से हम इसे कटलेट का शेप दे देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे कटलेट को बना करके रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे तलेंगे। तो कटलेट को हमने बना करके तैयार कर लिए हैं।
तेल भी गरम हो गया है तो अब हम एक एक करके कटलेट को तेल में डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। चना दाल बड़ा जब एक साइड अच्छे से सीख जाए इसके बाद से हम इसे पलटेंगे। तो एक साइड सीख गया है, अब हम इसे पलट लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ रहा है। हमें दोनों साइड अच्छे से सेक लेना है। कटलेट अच्छे से सीख गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तेल से और तलने के बाद ये आप देख सकते हैं बड़ा का कलर कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत ही परफेक्ट बड़ा बना है। अब हम इसी तरीके से सारे बड़े को बना लेंगे। चाय के साथ इसे आप खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।